गणपति बाप्पा। पीछे से लो ना भाई, अभी तो ऊपर से लो। मुझे पता आपको मराठी नहीं आती, लेकिन अगर पुणे वालों का दिल जीतना है तो एक सेंटेंस तो मराठी में बोलना ही होगा आपको। कि तुम्हाला सांगणार की काय म्हणायचं। यस ऑफ कोर्स, मी एकदम हळू बोलणार, तुम्ही माझ्या मागे म्हणा। होऊन जाऊ दे ही दिवाळी मॅक्स खुशियो वाली। सगळ्यांना एक कट पण करणार आहेस तू। मॅडम चला मागे, चला दादा मागे। मॅडम मॅडम मॅम लुकिया, मॅम लुकिया। ओके सारी, सबसे पहले मैक्स का जो स्टोर लॉन्च हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपने पूरा मॉल का राउंड लिया, फिर नीचे बहुत सारी महिलाएं भी थी, उनसे भी मिली, आप थोड़ा सा बताइए इस बारे में। वेल, मैक्स मेरे लिए नई चीज़ नहीं है, मैं काफ़ी स्टोर्स विजिट कर चुकी हूँ और ये पुणे में एक स्टोर लॉन्च करने में जो मज़ा है वो कुछ अलग ही है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जो चीज़ पुणे में हिट होती है वो पूरे वर्ल्ड में हिट होती है, तो आई एम श्योर कि पुणेकर छान रिस्पॉन्स देते हैं मॅक्सला देत आले, त्याच्यामुळे आय थिंक 8 ऑलरेडी स्टोर्स आहेत पुण्यामध्ये आणि ती डबल होणार आहेत असं यांनी सांगितलेलं आहे, सो बहुत ही खुश हूँ और बहुत मजा आ रहा है। ओके, मॅक्स के साथ कैसा रिलेशन है आपका, कैसा बॉन्डिंग है थोड़ा सा? मॅक्स अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि आई थिंक दिस इज द ओनली ब्रँड वेअर यू कैन ब्रिंग इन योर फैमिली एंड शॉप फॉर एवरीबडी अंडर वन रूफ, और कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आपका टाइम बचता है, द रेट्स आर वेरी रीजनेबल।
तो मैं सबसे बहुत तहे दिल से विनती करूंगी कि प्लीज आइए एंड बहुत सारा शॉपिंग करके जाइए। सर आप बताइए थोड़ा सा स्टोर के बारे में बताइए और फेस्टिव सीजन है क्या कुछ नया होने वाला है? बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है फेस्टिव सीजन का, स्पेशली आई मस्ट से पुणे हैज रिस्पॉन्डेड वेरी वेरी वेल, तो कस्टमर्स हियर आर मच मोर फैशनेबल एंड इट क्वाइट रेजोनेट्स विद द मैक्स फैशन फ्रीक्वेंसी। तो आई मस्ट से कि मैक्स का फैशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और यही रीज़न है इसके पोटेंशियल को देखते हुए 8 स्टोर से 16 स्टोर पे जाने की बात हो रही है और पिछले एक साल के अंदर ही 3 स्टोर खोले गए हैं और अगले 8 जो हैं वो आने वाले अगली दिवाली तक हमारे हो जाएंगे। सो फैशन नीड्स बहुत ज़्यादा मिलती, जैसे यहाँ पे कस्टमर्स हैं एज साई हैज मेंशन राइट नाउ इट डज हैव वेरी मच अफोर्डेबल फैशन ऑल्सो, तो हाईएस्ट फैशन एट अ मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस आई मस्ट से विच इज एट मैक्स। तो मैक्स का फैशन जो है वो इंटरनेशनल ट्रेंड्स हैं एट इंडियन प्राइस। सो मैक्स एज अ ग्रुप आई मस्ट से इट्स एट 14 कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड, सो 14 कंट्रीज में हैं, तो फैशन का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है और यही रीज़न है कि बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है पुणे में, जहाँ पे फैशनेबल कस्टमर्स का ग्रुप बहुत बड़ा है। ऑल आर वर्किंग प्रोफेशनल्स लार्जली या ऐसे लोग हैं जो आर्मी में हैं आसपास के, सो सबको पसंद आता है और यही रीज़न है कि पुणे में इतना बड़ा एक्सपेंशन प्लान किया हुआ है। ये स्टोर अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ही नया मैक्स का स्टोर है, ऐसा स्टोर आपको इस समय वेस्ट के अंदर नहीं दिखाई देगा। तो लेटेस्ट आइडेंटिटी है हमारी जिसमें हमने रेंज को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करके रखा हुआ है। फेस्टिव कलेक्शन खास तौर पे कहना चाहूँगा हमारे सिंदूरी और बनारसी दो कलेक्शन बहुत बढ़िया आए हुए हैं जिसमें आपको सेलिब्रेशन से रिलेटेड बहुत सारा सामान मिलेगा और खाली ट्रेडिशनल ही नहीं है बल्कि कैसा भी मॉडर्न वेयर अगर आप चाहते हैं जो कि यूथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है वो सारा का सारा आपको यहाँ पे दिखेगा। मीडियम विंटर वेयर बहुत अच्छा दिखाई देगा जिसकी की खास ज़रूरत है यहाँ, बाइकर्स को बाइकर्स जैकेट्स हैं, स्वेटशर्ट्स हैं, मेनी थिंग्स विच आर कमिंग आउट विच केटर्स टू योर फैशन नीड्स। तो हाई फैशन एट मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस दैट इज़ अ मूल मंत्र विच गोज अवे कैटरिंग टू इंटायर फैमिली नीड्स। तो किड्स की बात अगर करूँ तो किड्स में इससे बड़ा आपको कलेक्शन मैं बोलता हूँ कि कहीं पर भी एक छत के नीचे नहीं दिखाई दे सकता है फॉर ऑल एज ग्रुप्स, वेदर इट्स इन्फेंट्स जो कि 2 महीने से लेकर के 6 महीने तक 0 से 6 महीने के हैं या आपके 2 से 8 साल का है या 8 से 16 साल का जो टीनेज होता है सबका आपको प्रॉपर कलेक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। और चूंकि ये स्टोर एकदम नया है अभी तो यू कैन फाइंड आउट दैट एट द लेटेस्ट रेंज इज बीन लॉन्च्ड हियर इन फुल साइज सेट, मच फुलर स्टोर राइट नाउ अवेलेबल। सही, दिवाली फेस्टिव सीजन है, कैसे सेलिब्रेट करने वाली इस साल की दिवाली? दिवाली मेरे लिए मतलब फैमिली गेट टुगेदर होता है और आई लव दियाज, आई लव लैम्प्स, तो मुझे हर कोने में घर के दिया जलाना बहुत पसंद है। पटाखे मैं नहीं फोड़ती हूँ और जो ये लोग देख रहे हैं उनसे विनती करूँगी कि आप भी मत फोड़िएगा लेकिन दिए जरूर जलाइएगा। मैम आपने जैसे पोल्यूशन की बात की पटाखे नहीं फोड़ने की, तो अभी जो है आर में डिफोरेस्टेशन के बारे में आपने बात भी की थी, कुछ बताना चाहिए? दुख भरी बातें अभी नहीं करती है, बहुत अच्छा मौका है। मैक्स देना चाहिए आप? मैसेज यही दूंगी कि नेचर इज गॉड, वी शुड रिस्पेक्ट नेचर, इतना ही मैसेज दूंगी। प्रोफेशनल फ्रंट में क्या हो रहा है? प्रोफेशनल फ्रंट में बहुत कुछ हो रहा है, जल्दी आपको पता चल जाएगा। थैंक यू।